यही है वो कोचिंग सेंटर जहाँ से प्लेयर इंडिया के लिए खेलता है, आईपीएल में खेलता है। फिलहाल तो अभी बारिश है इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे एक घंटा पहले खेल हो रहा था यहाँ पे, लेकिन बारिश। ये देखिए एकदम सामने से दिखा रहा हूँ, दो बिल्डिंग को ज्वाइन करके रखा हुआ और नीचे साइंस सिटी है, इसके बगल में साइंस सिटी देखने को मिल जाएगा। कोचिंग सेंटर से कोई एक ऐसा प्लेयर का नाम बता दो जो इंडिया टीम में खेलता हो या आईपीएल में खेलता हो। आकाशदीप अभी टेस्ट खेला था। आकाशदीप इसी कोचिंग सेंटर से निकला हुआ क्या? सेंटर से निकला हुआ, अभी टेस्ट खेला था। और आईपीएल? आईपीएल में? हाँ, आईपीएल में आरसीबी के लिए खेला था। आरसीबी के लिए खेलता है। और ये स्टेडियम किसका? ये स्टेडियम है सौरभ गांगुली का बड़ा भाई का। क्या नाम है उनका? स्नेहाशीष। अभी हम लोग है मानिक तल्ला में और जा रहे हैं एक ऐसा स्टेडियम जो सौरभ गांगुली का बड़ा भैया का स्टेडियम है। और उधर से ना बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर निकला है, और जब आईपीएल वगैरह होता है ना तो प्लेयर लोग इधर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं स्टेडियम कैसा है। इधर से हम लोग को लगभग 20 मिनट लग जाएगा क्योंकि जाम इतना ज्यादा भी लग सकता है। इधर का जाम मतलब हमेशा का है, कल भी आया था तो पूरा जाम, आज भी पूरा जाम ही है। कौन सा स्टेडियम है? स्टेडियम बोलता है जो भारतीय क्रीड़ांगण का नाम है। फुटबॉल का स्टेडियम है क्या? काफी बड़ा है ये, बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा है। सारा फुटबॉल मैच इधर ही होता है। अच्छा, सब खेला यहाँ होता है। कलकत्ता का बड़ा बड़ा फुटबॉल खेला यही पे होता है। फुटबॉल का साइन भी बाहर में दिख रखा हुआ, नाम ऊपर में दिखे, नाम दिया हुआ है। और बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। ये भी तो कलकत्ता में ही है, नाम देखिए। सारा गेट नंबर दिया हुआ है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पांच, सब अलग तरीका से दिया हुआ है। यहाँ पे नाम है इसका, बहुत अच्छा जगह है। जो भी है एकदम झील है और रास्ते के बगल में बैठने के लिए बनाया हुआ है। ये कलकत्ता का ही है, विश्व बंगला सरणी लिखा हुआ, पता नहीं नाम हमको ठीक से याद नहीं आ रहा, पर एकदम झील है जहाँ बैठ सकते हैं। उसके बगल में चेयर दिया हुआ बैठने के लिए, बहुत अच्छा। बारिश इस बार हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है क्योंकि बारिश तो बहुत है भाई, डेली बारिश होता ही है। एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग को ज्वाइन कर दिया बीच से पूरा, और ये कलकत्ता में ही है। कितना सुंदर लग रहा है, दो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, दोनों बड़ा बड़ा बिल्डिंग को ज्वाइन करके रख दिया है यहाँ पे। ये दुबई नहीं है भाई, कलकत्ता है। साइंस सिटी के बाजू में। कहाँ पे? साइंस सिटी के बाजू में। साइंस सिटी के बाजू में ही है ये, और ये बहुत सुंदर लग रहा है, दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। कलकत्ता में एक चीज बहुत दिखने के लिए मिलेगा, वो जो 1042 दिखा था ना, तो उतना बड़ा तो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन पर ज्यादातर बिल्डिंग आपको बड़ा बड़ा ही मिलेगा। ज्यादातर बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा है, हर बिल्डिंग का साइज इधर बड़ा है। देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग, एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और हर जगह ये मिल जाएगा कलकत्ता में। हम लोग जो फ्लाईओवर पे है उसका नाम है माँ फ्लाईओवर, और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज जो है स्पीड लिमिट है। यहाँ पे गाड़ी कितना स्पीड के ऊपर जाने से फाइन काट देता है? अगर 60 के ऊपर जाएगा स्पीड तो फाइन काट देगा, बाइक का 30 से ऊपर। बाइक का 30 के ऊपर? वो देखिए, वो आपका 42 बिल्डिंग सब दिखता है। अच्छा, यहाँ पे एक बार देखिए स्पीड लिमिट आगे तो कहीं लिखा होगा, हर जगह अगर लिखा है तो दिखा देता हूँ। ब्रिज का नाम लिखा हुआ है माँ, ब्रिज का नाम है माँ, माँ फ्लाईओवर, माँ फ्लाईओवर। और जितना भी गाड़ी जा रहा है सबका स्पीड कैच कर लेता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका गाड़ी ज्यादा स्पीड है तो फाइन आपके घर में आ जाएगा, आपको देना पड़ेगा। 61 लिखा हुआ उसमें, बोर्ड भी लिखा हुआ 40। स्पीड अगर 60-61 भी हुआ तो डायरेक्ट चालान आपका फोन में आ जाएगा, कहीं रोकेगा नहीं, पर फोन में आपका चालान। 40 जो स्पीड था, 40 किसके लिए था? बाइक के लिए 40, और ये फोर व्हीलर के लिए 60 से ज्यादा होगा तो फाइन आ जाएगा घर पे। ये जबरदस्त सिस्टम है यहाँ का, मतलब 60 के ऊपर आप लोग नहीं चला सकते, सबका यहाँ पे स्पीड कैच होता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। पूरा कलकत्ता का यही सिस्टम कर दिया, पूरा कलकत्ता का यही सिस्टम है, 60 के ऊपर नहीं चलाएंगे। पूरा कलकत्ता हो, वेस्ट बंगाल हो, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुगली डिस्ट्रिक्ट, सबका यही सिस्टम कर दिया, ऑटोमेटिक चलान। ऊपर में कैमरा लगा हुआ ना, पूरा कैमरा लगा हुआ हर जगह, और लिखा हुआ यहाँ पे, लिखा हुआ हर जगह, लिखा हुआ है स्पीड को मेंटेन करें। अगर वो क्या स्पीड लिमिट अगर दिखाता है, अच्छा एक बार आगे दिखाता हूँ हम लोग स्पीड लिमिट। ये यहाँ का अच्छा है बहुत, देखिए कौन सा गाड़ी कितना स्पीड में जा रहा है, 31, 30, 29,
अपना गाड़ी भी वही 30-32 की स्पीड में ही है। इधर का जाम लगभग 10-15 मिनट हो गया हम लोग इस जाम में अभी फंसे हुए, पूरा जाम है चारों तरफ। हम लोग पहुंच गए जगह पे स्टेडियम में, स्टेडियम में क्लब बोल सकते हैं आप लोग, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए भीतर जाता हूँ दिखाता हूँ कैसा है। बारिश हो रहा थोड़ा थोड़ा इधर, एक्चुअली डेली बारिश हो रही है, डेली बारिश मिला मुझे, आज भी बारिश ही हो रहा थोड़ा। चलिए चलता हूँ स्टेडियम के क्लब के भीतर। यही है वो कोचिंग सेंटर जहाँ से प्लेयर इंडिया के लिए खेलता है, IPL में खेलता है। फिलहाल तो अभी बारिश है इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। एक घंटा पहले खेल हो रहा था यहाँ पे, लेकिन बारिश के कारण सब भीतर चले गए बच्चे सब। ये इधर इधर का सारा प्रोसेस है, एडमिशन फीस वगैरह कितना, एज 5 to 20 ईयर्स, सारा डिटेल इधर दिया हुआ। प्लस इधर जिम भी है और इधर से बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर निकला भी है जो कि IPL में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं। देख लीजिए बच्चे लोग को भीतर स्टेडियम का देख लिया। अब एक बार गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी में बैठने के बाद छोटू से पूछता हूँ क्या प्रोसेस है इसका, क्या नहीं है, सारा सिस्टम पूछता हूँ छोटू से। जो गाड़ी में आ गया छोटू, थोड़ा डिटेल में बता दो इस कोचिंग सेंटर के बारे में। ये कोचिंग सेंटर का फीस 2000 है और इधर एडमिशन फीस 6000 है, 2 महीने का फीस जोड़ के। और इधर सैटरडे संडे और थर्सडे होता है, सुबह 7 to 10 और दूसरा वाला होता है 2:30 to 5। इस कोचिंग सेंटर से कोई एक ऐसा प्लेयर का नाम बता दो जो इंडिया टीम में खेलता हो या IPL में खेलता हो। आकाशदीप अभी टेस्ट खेला था, आकाशदीप इसी कोचिंग सेंटर से निकला हुआ है क्या? सेंटर से निकला हुआ, अभी टेस्ट खेला था। और IPL में? हाँ, IPL में RCB के लिए खेला था। RCB के लिए खेलता है। और ये स्टेडियम किसका? ये स्टेडियम है सौरभ गांगुली का बड़ा भाई का। क्या नाम है उनका? स्नेहाशीष गांगुली। अच्छा, वो आते हैं क्या? हाँ। और सौरभ गांगुली भी आते हैं? हाँ, कभी कभार आते हैं, कभी कभार आते हैं। ये क्लब में बहुत सारे मैच, बहुत सारे बड़ा बड़ा प्लेयर आते हैं मैच खेलने के लिए। इधर वुमेन लोग का भी अंडर 19 का मैचेस सब होता है, IPL का जितना भी प्रैक्टिस सब होता है, KKR का वो सब इधर होता है। KKR का सारा प्रैक्टिस इधर ही होता है? हाँ, प्रैक्टिस इधर होता है। फिर इधर अभी एक बंगाल प्रीमियर लीग चल रहा था, वो टीम का प्रैक्टिस भी इधर होता था। अच्छा। और भी बहुत कुछ होता है और बहुत सारे प्लेयर भी आते हैं, जैसे शिखर धवन, शहबाज अहमद। शिखर धवन यहाँ पे आते हैं? हाँ, शिखर धवन आते हैं। फिर मुकेश कुमार आए हैं। अच्छा। इधर मतलब बहुत सारे CAB का मैचेस सब चलता है एज वाइज, जैसे 13 से नीचे वालों के लिए अंडर 13। अभी जैसे मैं 15 का हूँ तो अंडर 15 खेल रहा हूँ CAB, फिर इसके बाद 17, फिर 19, ये सब होता है, फिर रणजी, ये सब। रणजी, रणजी भी मैच यहाँ पे होता है? हाँ, रणजी मैच भी यहाँ पे होता है। रणजी मैच है कहाँ पे, ये एड्रेस बता दो इसका। एड्रेस इधर ये विधाननगर सेक्टर 2 पे है, और हाँ विधाननगर सेक्टर 2 में ही है। और इस क्लब में जिम भी है, प्लेयर लोग के जिम करने के लिए कोचेज भी करते हैं, और बहुत सारे कोचेज हैं, अच्छे अच्छे कोचेज जो रणजी वंजी खेल के आए हैं वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं। फिर प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए प्रैक्टिस पिच सब भी है साइड में, और मेन पिच भी बहुत अच्छा है। अभी बारिश हो रहा है तो छोटू बोला उसको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश सुखा देगा। मशीन वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे, सब मशीन ग्राउंड सुखाने के लिए एकदम अच्छा। बहुत सारे वर्कर भी हैं जो पूरा टाइम ग्राउंड का एकदम ख्याल रखते हैं, और भी बहुत कुछ है एकदम फ्लैट, मतलब बहुत अच्छा ये है, सरफेस है। छोटो हम लोग को बहुत कुछ बात बता दी स्टेडियम के बारे में। हम लोग ये बोलेंगे छोटो जल्द से जल्द इंडिया टीम में चला जाओ ताकि हम आपको TV पे देख सकेगा एकदम आराम से, घर में बैठ के TV पे छोटू को देखेगा और छोटू मारेगा 6, ठीक ना? हाँ। चले चलता हूँ इधर से, छोटू बहुत कुछ बता दिया। इधर सबसे बड़ा बात है कि ये सौरभ गांगुली का बड़ा भैया का स्टेडियम है, तो सही में इधर में देख रेख तो बहुत होता होगा, बड़ा बड़ा प्लेयर भी आता है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है और आप उसके सामने खेल रहे हैं और उसका नजर में आ गया तो फिर वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है कि बड़ा प्लेयर आके यहाँ पे मैच देखता है, खुद भी खेलता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।